आज आपकी ड्राइंग की क्लास है और एक असाइनमेंट और करवा रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, टाइम आपके पास कम ही रह गया तो दो शीटें और बची हैं, उन दो शीटों को हम जल्द से जल्द जो है इसको इसी वीक में कंप्लीट करेंगे दो शीटों को। ठीक है, तो अभी मैं आपको, आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट देखा है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन देखा है, तो अब जो है अगला टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर भी हम जो है चार क्वाड्रेंट के अंदर प्लेन को रखेंगे और उसी का एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ही कंप्लीट करना है और हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही प्लेन्स को रखेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट्स में लेके नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, टॉपिक को आप बहुत अच्छे से और भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके अब टाइम कम है तो आपको बस एलिमेंट्री पांच क्वेश्चन जो है इसके ऊपर करने हैं, बाकी सब आपको जो है खुद उसको देख के बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आज आपको जो करवाने वाला हूं मैं, ये वाला असाइनमेंट है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर है। आपने लाइंस को देखा, लाइंस को हम पैरेलल रखते हैं, एचपी और वीपी के साथ एंगल पे रखते हैं और कभी कभी हम दो क्वाड्रेंट में भी लेके जाते हैं लाइन को। तो आपने इसको इंट्रोडक्टरी, आपने काफी हद तक इसको देखा है, इसके अंदर क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, इसके अंदर डबल रोटेशन भी है। अब जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो है प्लेन के ऊपर। अब इसका जो बना हुआ आंसर शीट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने बनानी है। ये बनी हुई शीट है, ये शीट है, इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन है एक एक स्क्वायर प्लेन का। ठीक है, एक स्क्वायर प्लेन है, ये हेक्सागोनल प्लेन है, ये आप प्लेन समझ रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेन है जो कि एचपी के ऊपर रखा हुआ है और इन प्लेन्स की जो थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल थिकनेस के ये प्लेन है। जब इन प्लेन्स के अंदर आप थिकनेस इंट्रोड्यूस कर दोगे, ये एक
सर एडमिट कर दो, कोई लॉबी में है अभी। ये जो है ये एक हाफ प्लेट है, हाफ प्लेट, हाफ सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये पेंटागोनल प्लेट है, और ये आपका जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो मैंने पीएस गिल से लिया था। ऐसे बड़े क्वेश्चन है पीएस गिल में जो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन के अंदर आप अगर बना लेंगे ढंग से तो आप प्लेन्स को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको ये प्लेन्स करवाने वाला हूँ। प्लेन्स इसमें होते क्या है बेसिकली, सर वो जो स्केल वाली शीट थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 समझा दो एक बार प्लीज। हाँ वो स्केल वाले में आपको वर्नियर में बड़ी दिक्कत आ रही थी। यस सर। तो वर्नियर में कुछ नहीं है, मैं अभी आपको वही सोच रहा था, आपको मैं दोबारा से बता दूं। वैसे वो विनायक तिवारी ने सही से बनाया था स्केल, क्वेश्चन नंबर 7 में ये फॉरवर्ड स्केल बना हुआ है। अच्छा जब ये फॉरवर्ड बोले ना आपको, तो आपने 9 डिवीजन बनाने हैं, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर उल्टा होता है। जैसे यहाँ बैकवर्ड लिखा है तो इसका मतलब है कि 11 होंगे, फॉरवर्ड है तो 9 होंगे। अब इसमें करते क्या है, अगर आपने 9 डिवीजन बना रहे हो, क्योंकि ये इसमें जैसे आपने 10 डिवीजन बनाए, ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, 10 डिवीजन बनाए आपने और 10 डिवीजन बनाने के बाद आपने ये जो 9 डिवीजन है, अगर ये एक जो 10 डिवीजन है ये 100 मीटर के हैं, तो ये जो 9 होंगे डिवीजन ये 90 मीटर के होंगे, ठीक है। तो 90 मीटर को आप अगर 10 में डिवाइड करते हो तो 10 में इसको डिवाइड करना था आपको। अब मैं आपको उसकी शीट दिखाता हूं जो इन्होंने बनाई हुई है, 2 मिनट रुकिए। सर कुछ स्टूडेंट लॉबी में एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ,
लेकिन ये सही बनाया हुआ है। ये मैं अभी आपको बना के भी दिखा देता हूँ। ये बनाया हुआ है फॉरवर्ड स्केल जिसमें नौ डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। जो पूछ रहा था देख रहे हैं आप? यस सर। देखिए इसके अंदर ये वर्नियर स्केल होता है। पहली बात तो आपने नॉर्मल स्केल की तरह इसको बनाना है पहले, और इसके अंदर जनरली सारे डिवीजन जो पार्ट होते हैं उनके सारे के डिवीजन करने पड़ते हैं। पर आपने क्या करना है कि जितना जरूरत हो, अगर वो बोल रहा है यहाँ पर 157 मीटर, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं आपने सबसे पहले इसके अंदर ये 7 को एलिमिनेट करना है। इस 7 को एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग टेबल ऑफ 9 का टेबल से 7 को एलिमिनेट करना है। तो 9 3 27, तो इसमें से आप देखेंगे कि आप अगर 27 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 130 बचेगा, 170 की जगह 130 बचेगा। इसमें थोड़ा सा इसने मिस्टेक किया हुआ है, 197 शो किया हुआ है, कोई बात नहीं। इसमें अगर 197 भी आप शो कर रहे हो तो 170 जो है, इसमें तीन डिवीजन इधर से लेंगे आप, 1 2 3, तो ये जो तीन डिवीजन है ये रिप्रेजेंट करेंगे 27 को, ये 1 2 और ये 3, ये जो तीन डिवीजन है ये 27 हो जाएगा, प्लस 100 और प्लस 70, यहां से आप 7 डिवीजन ले लोगे। अब यहां पर आपको डायगोनल स्केल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पर आपने ये जो तीन डिवीजन है, ये तीन डिवीजन आपने 9 के टेबल से इसको उठा लिया। आप इस तरीके से कोई भी डायमेंशन बना सकते हैं, कोई भी डायमेंशन आपने बनानी है, जैसे 158 बनाना है, ठीक है। अब ये जो है ये 100 100 के हैं, तो इसके अंदर 150 तो बन जाएगा क्योंकि ये हर एक डिवीजन 10 10 का है। पर अगर 158 बनाना है तो फिर आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपको कैसे बनाना पड़ेगा उसको। जैसे 9 के टेबल में वो कितने पे आएगा, 9 2s 18, तो फिर आप उसको 18 से उसको 8 को एलिमिनेट कर देंगे 158 में से, तो जो बचेगा वो यहां पर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये आपको, आपको ये समझ में आ रहा है कि बना के दिखाऊं? चूज करने को आप कुछ भी कर सकते हैं सर। एक बार आप बनाए दो बस इतना पार्ट, आधा पार्ट नहीं, आपको मैं बना तो दूंगा। मतलब पता क्या है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो स्केल है ना, ये आपको समझ आने चाहिए। बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बनाने को कोई भी बना देगा। अगर आप यहां से 9 पे ले रहे हो तो अगर वो बोल रहा है फॉरवर्ड स्केल तो आपको 9 ही लेने पड़ेंगे, ये कन्वेंशन है। कभी आप देखना वर्नियर स्केल देखना, कभी आपने जेन्युइन आपने वर्नियर स्केल देखा है आपने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स की लैब में देखा है सर? ऊपर वाले की डिवीजन मेन स्केल से कम होती है, उसके अंदर भी ना आप एक चीज मैच करते थे, तो वो जो मैचिंग होती थी वो उसको आप ऐड कर देते थे। आपको कुछ याद होगा कि उसके अंदर भी हमारे दो स्केल होते हैं, उसके अंदर भी दो स्केल होते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर ये जो है ये एक स्केल है और एक ये नीचे वाला स्केल है, यहाँ पर ये दो स्केल होते हैं और ऊपर जो रीडिंग आती है उसमें पॉइंट समथिंग
जो इसका प्रिसीजन होता है वो ऐड कर देते हैं सीधा सीधा जहां पर ये कोइंस ऐड कर रही होती है। तो ये तो मैं आपको खैर अभी नहीं समझाना चाहता क्योंकि आप फिर और कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये भी इसी प्रेल में, और यहाँ पर जो मैं आपको करा रहा हूँ वर्नियर स्केल, ये भी ऐसे ही 9 डिवीजन होते हैं इसमें, इसमें 9 और 10 डिवीजन्स का, 11 डिवीजन्स का हिसाब होता है। ठीक है, तो मैं ये बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसी इसको थोड़ा और समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको कैमरा दिख रहा होगा, मैं आपको ये स्केल दोबारा करा देता हूँ, आपका शेयर स्क्रीन इसको मिनिमाइज कर दिया। ये वाला जो फॉरवर्ड स्केल है ये मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड स्केल जो नॉट डन वाला है ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो एक बार वर्नियर स्केल भी बता सकते हो आप? वर्नियर स्केल ही तो है ये, जो आइसोमेट्रिक स्केल आपने करवाया था वो सर बन नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था, बना तो दिया बट पता नहीं है कि सही है कि नहीं। वर्नियर कह रहे हो कि आइसोमेट्रिक कह रहे हो? आइसोमेट्रिक वाला वर्नियर तो हो गया था, आइसोमेट्रिक वाला समझ नहीं आया, बता देता हूँ। ये दिख रहा है ना कैमरा आपको? हैं? यस सर दिख रहा है। अच्छा तो यहाँ पर आपको देखो, ये मैं सेकंड वाला वर्नियर करा रहा हूँ आपको, दोनों आईसो बनवा देता हूँ, बना देता हूँ अभी। तो यहाँ पर फॉरवर्ड वर्नियर स्केल है, यहाँ पर आपको आरएफ दिया हुआ है, ये आरएफ आपको दिया हुआ है 1/2500, तो ये आपको आरएफ यहाँ पर दिया हुआ था। यहाँ पर इसके बाद लेंथ ऑफ द स्केल आप निकाल लेंगे आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, तो यहाँ पर 1/2500 मैक्सिमम लेंथ जो रखी है 300 मीटर तक, मेजर अप टू 300 मीटर, तो मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कन्वर्जन किया तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर हमने लाइन बनानी है, ये 12 सेंटीमीटर पे कट गया। अब मैंने यहां पर एक ये जो 12 सेंटीमीटर है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये रिप्रेजेंट कर रहा है 300 मीटर को, तो इसके हम करेंगे कितने डिवीजन करेंगे, 3 डिवीजन, ठीक है। इसके मैंने 3 डिवीजन बना दिए। अब डिवीजन बनाने के लिए आपने कितने भी डिस्टेंस ले लेना है, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोटा लो या बड़ा लो, यहां पर एक, ये दो और ये तीन, ठीक है, ये 3 डिवीजन आपने बना लिए। इसके बाद आपने ये स्केल को खोला थोड़ा सा और आपने ये जो लास्ट वाला डिवीजन है इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने इसको स्केल को रख के ऐसे इसको टाइट कर दिया, फिर इसको आप ऊपर लेके गए, फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर आप ऊपर लेके गए, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपने 3 डिवीजन बना लिए, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया। इसके बाद जो पहला वाला है इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, सर ये फॉरवर्ड वर्नियर स्केल है ना? हाँ ये फॉरवर्ड बना रहे हैं। सर मेरे को एक ऐसी क्वेरी थी जो हम अभी क्वेश्चन करके हटे शीट्स के अंदर, उसमें जो राइट साइड वाली डिवीजन जैसे आप इधर अभी लेफ्ट साइड पे ले रहे हो, तो सर वो राइट साइड में जो 10 डिवीजन्स हैं उन्हीं डिवीजन्स का यूज करते हुए हम मतलब कर सकते हैं? तो सर जैसे एक मिनट आप समझो, सुनो, इधर 3 डिवीजन्स हैं स्केल की, स्टार्टिंग में तो 3 डिवीजन्स हैं, हमने कर दिया है ना। अब एक डिवीजन को हम 10 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं एक लाइन के थ्रू जो आपने अभी बनाई, इसी लाइन का यूज करते हुए हम लेफ्ट साइड वाली जो वो 1 डिवीजन है उसको भी डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, एंगल छोटे हो जाएंगे बस, है ना। हाँ एंगल भाई देखो, आपको जो मेथड बताया ना, ये डिवीजन आप ये वाला सिस्टम ना सब पे करना है, आप ऐसा नहीं है कि इसको मेजर करके यहाँ पर कर दोगे, समझ रहे हो, ये इसको तुमने स्केल से मेजर किया और अपने आप इसके डिवीजन कर दिए, ऐसे नहीं करना, ये बनाना पड़ेगा आपको। ये एक साइड के लिए बनाने का, एक साइड ही बना सकते हैं ना, मतलब दूसरी साइड बनाना जरूरी होता है लेकिन हैं? आप इधर से बना लो, इधर से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसको 10 में डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी, बाय यूजिंग ट्रायंगुलर मेथड। कि जैसे कि आपने दोनों साइड के लिए एक एक लाइन बनाई, क्या एक साइड ही खींच के दोनों को कर सकते हैं, वो ये पूछ रहा है। यस सर, नहीं कर सकते, आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसकी वजह पता क्या है, इसकी वजह ये है कि ये जो डिवीजन होता है ना, ये कई बारी फ्रैक्शनल होता है, ये अगर एक डिवीजन मान लो तुम्हारा 0.3333 है, मेरी बात समझ रहे हो आप, एक्चुअली में एमएम में, एमएम और इंचेस में ना कभी आप तालमेल बिठा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ना कि इरेशनल नंबर, तो ये जो है ये आप इसको मेजर करके चाह रहे हो कि ये 10 डिवीजन इसके कर दूं, फिर इसके बाद ये 10 डिवीजन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 10 डिवीजन इसके भी कर दूं, यही कह रहे हो ना आप, के बस एक सर, सर, जो हमने पहले डिवीजन करे हैं अभी 10 वाले, वो हमने इस लाइन के थ्रू कर लिए लेफ्ट साइड वाली। हाँ क्या अब इसी लेफ्ट साइड वाली लाइन का यूज करते हुए हम और भी डिवीजन कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, ये जो लाइन है इससे इसी का डिवीजन होगा, इससे इसी का डिवीजन होगा ना, इनका डिवीजन कैसे हो जाएगा इस लाइन से? सर वही जैसे हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे इस पे, सेम पैरेलल लाइन वहां पे खींच लेंगे, मतलब जैसे स्टार्ट कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन सबसे ज्यादा ये इधर खींचेंगे ना, मतलब कैसे बताऊं मैं ऐसे पिक्चर में, कैसे बताऊं? अरे यार जैसे आपको बताया, आप उसको कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ठीक है सर, सिंपल सी चीज बताइए, अब उसको आप वैसे ही रहने दो, अपना कोई और टेक्निक मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो, जो है इसको ऐसे ही मेथड से करो तो बेटर रहेगा। ठीक है सर, ये
ऐसे बना लो ऐसे बना लो ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये जो है ना ये लाइन आप इस तरफ बना रहे हो इस तरफ बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। यहाँ भी बना सकता हूँ मैं ये लाइन, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको बनाना हर एक के लिए पड़ेगा। ठीक है सर, मैं यहाँ से बनाई है, मैं ये यहाँ से भी बना सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनाना सबके लिए लाइन बनानी पड़ेगी सबके लिए। सर ये वाली कॉमन भी तो होगी राइट वाली, ये थोड़ी छोटी पड़ गई है। कौन सी कह रहे हो कॉमन है, ये वाली? यस सर, ये वाली राइट डिवीजन और मिडिल डिवीजन के कॉमन है ना, तो इसको हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब आप पता क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, कर सकते हैं। दो अलग अलग लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर डिवीजन लेंगे, इससे बढ़िया एक ही कॉमन बना के उसके ऊपर डिवीजन लेके दोनों के अंदर डिवाइड कर देते हैं ना। हाँ ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप चाहते हो कि यहाँ से हम एक लाइन बना दें। यस सर, इसके मैंने 10 डिवीजन कर दिए। ये ज्यादा हो गए, सर मतलब बेसिक आइडिया ये होगा ना कि एक लाइन को हम बहुत सारे उनके लिए डिविजन्स की, ये तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यस सर, ठीक है, ये है 10 डिवीजन, इसको मैं लिख देता हूं एक, ये 10 डिवीजन मैं मार्क किए हैं। अब मैंने ये जो 10वां डिवीजन है इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, 10वें डिवीजन को ज्वाइन करने के बाद आपने इसको टाइट किया और 9वें डिवीजन पे आपने ऐसे ये लाइन बनाई, फिर 8वें डिवीजन पे ऐसे एक लाइन बनाई, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने ये जो 10 डिवीजन बनाए हैं ये हमने 10 डिवीजन बनाए हैं, दिख रहा होगा आपको, इसको पेन से बना लेते हैं, इसको मैं 0 ले रहा हूं, ये 10 डिवीजन। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो 10वां पॉइंट है इसको भी आप इससे ज्वाइन कर दो। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, रूल तो वही है,
इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसके बाद आपने इसको टाइट कर दिया, तो ये देखिए आपने ये भी 10 डिवीजन इसको कर दिया। देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं सर। वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं तो आपको वैसे ही बोलूंगा जैसे आपको बताया गया है। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है दिखने में। लॉजिकली तो सही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इधर भी आपने 10 डिवीजन करने हैं, तो आपने यहां पर भी मार्किंग कर ली है। तो ये तीनों के मैंने डिवाइड कर दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी बीच वाले की। ये जो सिस्टम है आपको, आप देखेंगे ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 300 मीटर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 300 मीटर को। ये 300 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक डिवीजन जो होगा वो 100 मीटर का होगा। ये जो हर एक डिवीजन है ये 100 मीटर के हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को 157 मीटर दिखाना है, ये दिख रहा है सबको कि नहीं? दिख रहा है? यस सर, यस। तो अगर मेरे को 157 मीटर दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसको फॉरवर्ड में बना रहा हूं तो इसके 9 डिवीजन करूंगा। तो आपने ये जो 9 डिवीजन है, इन 9 डिवीजन्स को आपने ध्यान से इसको, ये क्या है कि मैं पेन से बनाता हूँ ना, थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। इसको बॉक्स में बंद करना पहले, ऐसे करके यहाँ पे ये 9 डिवीजन लेने हैं, 10 नहीं लेने। 9 डिवीजन को लेके आपने 10 में डिवाइड करना है, तो हर एक डिवीजन जो होगा वो 9 मीटर का बन जाएगा। अगर ये 100 मीटर का है तो हर एक डिवीजन 10 मीटर का। अगर यहां पर आप एक डिवीजन की बात करोगे ऊपर वाले में, तो हर एक डिवीजन 9 मीटर का होगा। तो इसको भी मैं 10 में डिवाइड कर लेता हूं। Thank you.
ये देखा आपने कि ये मैंने 10 में डिवाइड कर दिया। अब जब आप बनाएंगे तो ये पेंसिल से बनाना, क्योंकि आप पेंसिल से बना रहा हूं तो ये जो है ना ये मिटा नहीं सकता मैं। ये रेट डिवीजन 9 मीटर का है। अब आपको क्लियर हुआ है कि क्या है ये? ठीक है, अब मैं 157 दिखाना है, 157। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से कर दूंगा 27 माइनस, क्योंकि ये 9 × 3 है, क्योंकि ये 9 × 3 है। तो यहां से मैं अगर 3 कॉलम ले लेता हूँ, 1, 2, 3, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 27 को। 27 अगर इसमें से माइनस कर देता हूं तो बचेगा 140, 140। 1, 2, 3, 4, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये 40 है। तो आप ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ पर, ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो क्या बन गया, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं वो तीनों हिस्से इसमें यहां पर लिख देता हूं कि ये हमारा ये 40 है, ये 100 है, और ये है 27। सर 130 होगा। हाँ 130, तो यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, ये 130 है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, मतलब कि इसमें एक कम कर लेना, इसको हमने काट दिया, यहां तक ही लेना 30, और ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारे पास यहां से लेके यहां तक, मीटर। दोबारा समझ में? अब मेरे को अगर इसमें लेना है 155 मीटर तो कैसे लोगे? 155 मीटर, ठीक है। तो 9 के टेबल में कहां पर आता है 5? 45, यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया, 100। तो यहां पर 5, ये डिवीजन कितने लेने पड़ेंगे, 5 5 प्लस 100, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। यहां से हम इसको मार्क कर लेंगे, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप सारे डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि 9 के टेबल में देखो, 9 18 27 155 माइनस 45, तो 110 होता है ना? हाँ 110, 110।
इसको 10 आगे ले लेना, तो ये 10 आगे हो जाएगा, बस फर्क यही है। ओके 110। तो आप ये देख रहे हैं 9 के टेबल के अंदर क्या क्या होता है, 9, 18, 27 और क्या होता है, ये आप देखेंगे ये 6, 5, 4 ये पूरा चलेगा, 36 45। तो यहां पर आप ये देखिए 9 के टेबल में ये सारे डिजिट कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आ रहा समझ में? 9 के टेबल में सारे डिजिट कवर हो रहे हैं, तो हम किसी भी डिजिट को एलिमिनेट कर सकते हैं, भले 154 हो, भले 152 हो, 152 भी दिखा सकता हूं, 2 के लिए आपको 72 लेना पड़ेगा, आ रहा समझ में? यस। तो कुछ भी इसमें हम दिखा सकते हैं, सारी डायमेंशन दिखा सकते हैं इसमें, अब आपको आया ये समझ में कि नहीं? यस सर आ गया, पक्का आ गया ना? यस सर। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ये 9 के फैक्टर से चलता है ये टेबल, आप ये देख सकते हैं, तो ये 9 और 11 के अंदर ही है ऐसा सिस्टम, इस वजह से ही हम इसके 9 और 11 डिवीजन करते हैं। अब रह गया आइसोमेट्रिक स्केल, वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे ये आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए आपने एक लाइन बनानी है, उसके बाद उसमें एक एंगल बनाना है 30 डिग्री का, और 30 के बाद एंगल बनाना है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का आप एंगल बना सकते हैं। इसके बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री का, इसके बाद बनाने के बाद आपने ये जो मेन स्केल है आपका, आप इसको थोड़ा सा दूरी से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर करके, ऊपर करने के बाद आपने मार्किंग करनी है 10 सेंटीमीटर तक आपने इसको मार्क कर देना है, ओरिजिनल जो 10 सेंटीमीटर है ये आपने मार्किंग कर दी, ठीक है। इसके बाद आपने ये जो मार्किंग है ये आपने नीचे इसको लेके आए वर्टिकल लाइन, यहां से वर्टिकल, ये आपने गलती करी है कई लोगों ने, ये जो लाइन है और ये नीचे नहीं लेके जानी होती, बस यहां तक लेके जानी है स्केल तक, सर ये वर्टिकली लेके आना नीचे। हाँ वर्टिकली पहले बनाया था मैंने, वर्टिकली ही तो दिखाया था आपको, लोगों ने गलत बनाया, ये वर्टिकली नीचे आती है। अब ये जो नीचे स्केल बन रहा है ना ये रिड्यूस्ड स्केल है, और इसी को आइसो स्केल कहते हैं, इसको आपने बॉक्स में आप इसको बंद कर सकते हो,
सर इस बॉक्स की डायमेंशन स्पेसिफिक नहीं है ना, ये तो जितनी मर्जी ले लो, ऐसे तो 5-5 एमएम आप ले सकते हो। सर ये मेरा गलत बना, मैं इसको दोबारा बना के भेज दूं आपको? हाँ दोबारा बना के भेज दीजिए, लेकिन ज्यादा ज्यादा बार उसको मत करिए, क्योंकि फिर मुझे कंफ्यूजन हो जाता, तो एक ही बार में समझ के बना के भेजा करो। यहाँ पर आपने मार्किंग कर देनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक मार्किंग कर देनी है, ठीक है। इसको भी मतलब क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है, और भी आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास पेंसिल है और ये जो लाइंस हैं ये आपने हल्की बनानी है, ये वाली जो लाइंस हैं ये आपने डार्क बनानी है, यहाँ पर ये जो स्केल बनेगा ये इसको यहाँ पर आपने लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में सेम हाइट में, आइसो स्केल सेम हाइट होनी चाहिए लेटर्स की, आइसो स्केल, और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं मेन स्केल, ये आइसो स्केल होता है, ठीक है। आप ये गूगल पे भी देख सकते हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे ना आइसो स्केल, शेयर स्क्रीन में देखिए, तो यहां पर आप लिखेंगे ना आइसो स्केल, आइसोमेट्रिक लिखे, ये देख लीजिए, ये फिर आपको कैरेक्टर स्केल है, दिख रही? यस सर। ये आइसोमेट्रिक स्केल है। अब आप करवा रहा हूं, आज असाइनमेंट है वो प्लेन्स के ऊपर है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, एक रेक्टेंगुलर लैमिना एबीसीडी of length 60 by 40 is parallel to HP with one of its side is inclined at 30 degree to VP, ठीक है। तो एक ऐसा
रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसकी जो कि पैरेलल टू एचपी है एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 30 डिग्री टू वीपी एंड द एंड नियरर टू वीपी इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड नियरर टू वीपी इज 15 mm नियरर टू वीपी 30 mm अबव द एचपी. तो ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है. मैं आपको एक लेमिना ये बना के दिखाता हूं. तो ये एक्स वाई लाइन है और यहां पर आप ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको ये नियरर टू वीपी 15 mm नियरर टू वीपी ये 15 mm आपको दिया हुआ है. 60/40 का है ये. ये जो आपका लेमिना है ये पैरेलल टू एचपी है. तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है तो सर एक बार दोबारा बताना लाइन के पास कैसे. ये मैं एक लेमिना बता रहा हूं जो कि पैरेलल टू एचपी है ठीक है. और ये दिया हुआ है कि इसका जो नियरेस्ट एज है वो वीपी के 15 एमएम डिस्टेंस पे है जो नियरेस्ट एज है. और ये जो लेमिना है ये आपका कितना अबव है 30 एमएम अबव द एचपी. ये 30 एमएम अबव द एचपी है. तो आप अगर इसको देखेंगे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़ा हुआ है तो इसके अंदर ये अबव जो डिस्टेंस है वो यहां पर दिखेगा आपको. ये डिस्टेंस आपको 30 mm अबव द एचपी. ये अगर ए बी सी डी है अगर मैं इसको ए बी सी डी लिखता हूं ऐसे ए बी सी डी ये लेमिना पैरेलल है एचपी के. तो ये दोनों पॉइंट अगर आप सामने से देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा बी डैश कॉमा सी डैश और यहां पर जो पॉइंट आएगा ए डैश कॉमा डी डैश. ये जो इस समय आप ये लेमिना देख रहे हैं ये इसका टॉप व्यू है ये फ्रंट व्यू है. ये आपको समझ में आ रहा है. द लेमिना इज पैरेलल टू एचपी. क्या समझ पा रहे हैं आप लोग. दिख रहा है कि नहीं. दिख रहा है सर. ये समझ में आ रहा है कि ये लेमिना पैरेलल टू एचपी कैसे है और ये वीपी ये क्या है. ये लेमिना ये प्लेन वीपी के क्या है परपेंडिकुलर है और 30 एमएम अबव द एचपी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से ए डैश वाला होगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको ये 3D में बना के दिखाता हूँ. आपको ये 3D में ही बनाना पड़ेगा.
यहाँ कहीं पे ये लेमिना है, तो ये लेमिना पैरेलल टू एच पी पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर आप ये देखिए, ये ए बी सी डी, ये एक लेमिना है, ठीक है। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से जो ये डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15। और यहां पर इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 60 by 40, ये लेंथ हमें दे रखी है। तो यहां पर इसका जो फ्रंट व्यू हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी सिर्फ, यहां पर इसको आप ऐसे इस पॉइंट को यहां पे प्रोजेक्ट करेंगे, यहां पर ये जो पॉइंट आएगा ए डैश और कॉमा डी डैश, ये इसका फ्रंट व्यू है, डी डैश कॉमा सी डैश। अब कुछ समझ में आया आपको, कुछ समझ में कुछ विजुअल क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी सर। ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये इसका फ्रंट है। और यहां पर आप इसका अगर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, यहां पर तो ये जो सेक्शन है, ये आपने नीचे बेस में इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया है नीचे, तो ये जो इसका जो प्रोजेक्शन है, ये नीचे इसका ये टॉप व्यू है, क्योंकि ये इसके अंदर ये देखिए, ये जो है इसका, ये हमारा सेक्शन है जो लेमिना है, मैंने इसको सेक्शन में बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये इसका टॉप व्यू है, ये टॉप है जो कि हमने ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे ए बी सी और डी ए डी। यहां पर आपको अब विजुअल एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, कि लेमिना इज पैरेलल टू
पैरेलल टू एचपी। अब समझ में आ रहा है ये क्या है? यस सर। यहां पर ये जो 15 वाला डिस्टेंस है, ये 15 वाला डिस्टेंस यहां पे दिखेगा, ये यहां पे, ये इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के इन फ्रंट ऑफ कितना है? तो ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। और अबव ये जो डिस्टेंस है, अबव एचपी कितना है? ये डिस्टेंस अबव, जो एचपी डिस्टेंस है ये हमें 30 दे रखा है, 30। तो ये अबव जो डिस्टेंस है वो यहां पर है, ये पूरा आप मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 30 है, तो ये आपको समझ में आया। ये प्लेन अबव जो है एचपी के 30 है और इन फ्रंट जो है ये 15 है, अबव 30 है। और अब क्योंकि यहां पर ये डिस्टेंस यहां पे 30 है तो ये हमें कहां दिख रहा है? यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको वीपी के साथ इसको एंगल पे बनाना है। इसको वीपी के साथ एंगल पे कैसे बनेगा? वीपी के साथ एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां पर जितना एंगल दे रखा है हम एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये इसी प्लेन में रोटेट होगा, ये जो है ये एचपी के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, तो ये एचपी के पैरेलल रहेगा, तो ये इसी प्लेन के अंदर रोटेट होगा, इसी प्लेन में। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट पे हम एक एंगल बनाएंगे जितना भी आपको दे रखा है, जो वीपी के साथ एंगल आपको दे रखा है वो एंगल आप बनाएंगे यहाँ पे 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको आपने मार्क कर देना बी। अब बी मार्क करेंगे तो यहां पर ये डिस्टेंस आपने ये ले लेना है, ये आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे भाई? देख रहे हैं सर। अब आपने ये मार्क कर दिया बी, तो यहां पर ये मार्क आ गया ए का। अब आपने क्या किया है कि आपने ये बी ऐसे रोटेट किया, तो ए के सामने क्या आएगा? डी। तो यहां पर ये डिस्टेंस आप देख लीजिए कितना है, इधर से ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये मतलब कि इसके पैरेलल जैसी भी ये लाइन है इसके पैरेलल ये लाइन रहेगी, और ये पॉइंट हो जाएगा डी और ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो आपने देखा कि मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, आ रहा समझ में? मैंने इसको इसके प्लेन में कैसे घुमाया,
तुम्हारा समझ में कि नहीं? अरे तो ये हमारा ये टॉप व्यू बन गया। अब यहां पर आप इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, इसको मैंने ऐसे ले गया, ये हमने लाइट लाइन से इसको पॉइंट्स को आपने ऊपर ले जाना, ठीक है। अब क्योंकि ये हमने इसी प्लेन के अंदर घुमाया है, इसको रोटेट किया है, तो आपने इन पॉइंट्स को यहां पर ये ठीक इसके सामने लेवल इसका यही रहेगा, तो फिर ये जो है आपका इसको मैं रेड पेन से दिखा देता हूं, कि हमने इन पॉइंट्स को ऊपर ले लिया, ठीक है। तो अब ए के सामने, अब यहां पर ये ए है, तो यहां पर ए के सामने ए, तो ये ए डैश। अब डी के सामने डी, तो ये डी डैश, और बी के सामने बी, तो ये बी डैश, और ये सी के सामने सी, तो ये हमारे पास सी डैश। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये है टॉप व्यू। आ रहा है समझ में आपको कि मैं क्या कर रहा हूं? आ रहा समझ में कि नहीं? यस सर, आ रहा है। तुमने एडिट किया तो ये हमने ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना लिया इसका। आ गया सबको समझ में? यहां पर आप ये देखिए कि इसके अंदर सारी चीजें जो ये लिखी हैं, द एंड नियरर टू वीपी इज 15 mm, तो ये 15 mm ही रहेगा, एंड 30 mm अबव द एचपी, तो ये 30 mm अबव द एचपी रहा, तो ये पहले का आंसर है, ठीक है। अब यही आप शेयर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये आंसर मैंने इसके अंदर भी आपको आंसर इसमें भी मिलेगा आपको शीट में, यही पे ऐसे ही बना हुआ। ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है, डायमेंशन नहीं कर रखी, और ये बी पॉइंट को इसने ऐसे उठाया, एंगल पे डाला, और इस तरीके से ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है एक हेक्सागोनल लेमिना। अब लेमिना कोई भी हो, अब आपको ये 3D में भी आपको विजुअल हो गया होगा कि अब लेमिना ये स्क्वायर है, भले आपका पेंटागन हो या हेक्सागन हो, अब लेमिना आपने कैसे रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इसका तरीका है। अब लेमिना को आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं, इसको इंक्लाइंड भी रख सकते हैं, दोनों के साथ एंगल पे भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे ये एंगल पे भी ये डल सकता है। तो हम इसको अलग अलग एंगल्स पे इसको हम रोटेट करने वाले हैं, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है हेक्सागोनल प्लेन का। हेक्सागोनल प्लेन लेमिना, Thank you.
यहाँ पर वो हेक्सागोनल प्लेन लैमिना का क्वेश्चन। अब हेक्सागोनल प्लेन दो तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 20 एमएम साइड रेस्ट ऑन इट साइड ऑन एचपी सच दैट द लैमिना इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। एचपी के 45 डिग्री है। इट्स नियरेस्ट कॉर्नर टू द वीपी इज 15 एमएम अवे फ्रॉम द वीपी। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी जितनी साइड दे रखी है उतनी साइड का एक सर्कल बनाना है। यहाँ पर आपने ये 15 एमएम पहले ले लेना है। दिखाई दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लैग सही है। तो यहाँ पर 15 एमएम का डिस्टेंस लेने के बाद आपने क्या करना है, 20 एमएम का इसका सेंटर मार्क करना है। एक सेंटर आपने मार्क कर लिया, इस पे सेंटर पे मार्क करने के बाद आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है 20 एमएम का ही सर्कल। तो यहाँ पर आपने ये एक लाइट सा एकदम अपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपने इसकी सेंटरिंग कर देनी है। तो यहाँ पर इसका सेंटर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पर ये 20 का बनाया, आपने कंपास को यहाँ पे रखना है। ठीक है, कंपास को यहाँ पे रखने के बाद उतना ही खोल के जितना इसका रेडियस है, देखिए इतना जितना रेडियस है, एक कट आपने यहाँ लगाना है और एक कट आपने यहाँ पर लगाना है और फिर आपने यहाँ पे रखना है, एक कट आपने यहाँ पे लगाना है, एक कट आपने इस तरफ लगाना है। ये दो कट लगाने के बाद आपने इसको इसको आपने इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि एक परफेक्ट जो है एक हेक्सागन बन जाएगा, एक परफेक्ट हेक्सागन तैयार हो जाएगा। अब ये जो हेक्सागनल प्लेन है, ये प्लेन किसके पैरेलल है, ये प्लेन इस समय किसके पैरेलल है बता सकते हैं आप, ये प्लेन किसके पैरेलल है अगर ये एक्स वाई लाइन है तो किसके पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है बताइए सर। एचपी का होना चाहिए, एचपी के होगा कि वीपी के होगा। ये एचपी के पैरेलल है और इस समय ये जो है, ये मैंने बताया आपको कि ये 15 एमएम, ये पॉइंट इसका 15 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी है। ठीक है, तो अब आपने इसकी मार्किंग कर देनी है, जैसे कि इसको हम मार्किंग कर देते हैं ए बी सी डी, इसको हमने मार्किंग कर दी। ये मार्किंग करने के बाद आपने इसके जो पॉइंट्स हैं इसको आपने फिर से ऊपर ले जाना है लाइट सी पेंसिल से, अपने ये पॉइंट्स को आपने ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो अबव द एचपी कितना दिया हुआ है, रेस्ट ऑन इट साइड, यानी कि अभी ये जो है ये एचपी के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो अगर एचपी के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो इस समय ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है बी डैश कोमा सी डैश ए डैश कोमा डी डैश,
एफ डैश कोमा ई डैश, क्योंकि ये एचपी के ऊपर ही पड़ा हुआ, तो अबव द एचपी कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ये भी एचपी के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको, इस प्लेन को उठाने वाले हैं, एचपी के साथ एंगल बनाने वाले हैं। तो जब भी एचपी के साथ एंगल आपने बनाना है तो आपने फ्रंट व्यू को उठाना है, क्योंकि जो फ्रंट व्यू है वो चेंज नहीं होगा, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी अगर आप उसको उठाएंगे। आप एचपी के साथ एंगल बना रहे हैं तो आपने फ्रंट व्यू को उठाना है। आप एचपी के साथ एंगल कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक आपने लाइन सर एचपी में तो पैरेलल ना, पैरेलल होता है, एंगल कैसे बनेगा? अभी ये एचपी के पैरेलल है लेकिन हम इसको एचपी के साथ एंगल पे डालने वाले हैं आगे, ठीक है सर? पैरेलल होता है, एंगल नहीं बनेगा ना फिर तो, कहीं वो एंगल ही नहीं बनाएगा जो पैरेलल लाइंस। ये जो है ये प्लेन अभी एचपी के पैरेलल है ना, तो इससे? अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये स्केल है आपके पास, आ रहा समझ में? ये स्केल एचपी के पैरेलल है, इससे अगर मैं इस स्केल को ऐसे उठा देता हूँ, ओके, तो ये किसके एचपी के साथ एंगल पे आ गया, आ गया सर, आ रहा समझ में? अब सर अगर मैं इस स्केल को ऐसे उठाता हूँ तो इसको बोलेंगे एचपी के साथ एंगल, ओके सर। और अगर इस ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसको बोलेंगे वीपी के साथ एंगल, ओके सर। और अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो पैरेलल टू विच प्लेन? एचपी। परपेंडिकुलर टू वीपी। अगर ऐसे पड़ा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर भी जो है आप वीपी के ये एंगल किसके साथ हुआ? ये हुआ वर्टिकल प्लेन के साथ, ये वीपी के साथ एंगल है। और अगर इस पोजीशन में मैं इसको ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे एचपी के साथ, अभी हमने जो हम सारा कंसीडर कर रहे हैं वो पहले पैरेलल टू एचपी वाले केसेस ले रहे हैं। अभी ये जो है ये पैरेलल टू एचपी था, अब मैंने एचपी के साथ एंगल बना रहा हूँ। तो पहले अगर आपको किसके साथ आपको एंगल बनाना है, किसी चीज के साथ भी, तो आपने आपको उसके पैरेलल करना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट को, पहले आपको ऑब्जेक्ट को पैरेलल करना पड़ेगा, फिर आप उसके साथ एंगल बना सकते हैं एचपी के साथ। अगर एचपी के साथ एंगल बनाना है तो एचपी के पैरेलल करो फिर एंगल बनाओ। अगर वीपी के साथ एंगल बनाना है, ये वीपी के साथ एंगल बनाना है, तो पहले मैं वीपी के पैरेलल करूंगा, ठीक है। अब ये वीपी के पैरेलल है, ये वीपी के पैरेलल है, अब वीपी के साथ एंगल बनाना है तो इसके टॉप व्यू को रोटेट कर दूंगा। आ रहा समझ में? वो हम आगे लेते हैं केस। अभी ये हम एचपी के साथ पैरेलल किया हुआ है और हम एंगल बना रहे हैं एचपी के साथ। आ रहा समझ में? यस सर। तो अब इसको बनाने के लिए पहले आपने पैरेलल किया और इसका टॉप व्यू निकाल लिया। टॉप व्यू निकालने के बाद आपने जो एंगल दिया हुआ है टॉप व्यू को उस पे रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर आपने ये मार्किंग कर दी पी डैश कॉमा सी डैश, ये आपने लेंथ जो है ना ये आप मेजर कर लो। ये आप कंपस से भी ले सकते हो, अगर आपने स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना तो सीधा ये आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पर आपने यहाँ पे रखा और ये मार्क कर दिया, यहाँ पे रखा और ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ गया ये हमारे पास एफ ई आ गया, ई डैश एफ डैश, और ये पॉइंट आ गया ए डैश और डी डैश, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये तो मिटा देना,
इसको डार्क कर देता हूँ। अब आपने फ्रंट व्यू को आपने रोटेट कर दिया था, तो अब आपने इसको नीचे ले आना है। इसको आपने नीचे ले आए पॉइंट्स को। इसके बाद इन पॉइंट्स को इधर से भी आपने इनसाइड कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखिए, ये अगर अगमार ए है तो यहां पर ये ए है, तो यहां पर ये आपने ए मार्क कर दिया। इधर ये एफ है तो यहां पर ये एफ हो गया, एफ खाली एफ ले लो, एफ डैश मतलब। यहां पर ये बी है, ये बी हो गया, ये सी है, ये सी यहाँ पे, ये डी यहाँ पे, और ये ई है तो ये ई यहाँ पे। इसके बाद आपने इसको स्केल से ज्वाइन कर देना, ये सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना सीधा सीधा। अब आप ये देखेंगे कि जो इसका टॉप व्यू है वो हमने इसके फ्रंट व्यू की मदद से निकाला। फ्रंट व्यू के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने उसको नीचे ले आए और फिर हमने उनको ज्वाइन कर दिया, और फिर इसकी ज्वाइन करके जो फिगर बनता है इससे हम इसका टॉप व्यू निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ये प्लेन पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, इस वजह से ये थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया। आ रहा समझ में अब? यस सर। ये बना लोगे? बन जाएगा? ये एंगल 45 दिया हुआ है, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। ये आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ सर, ये देखो बना हुआ। हाँ सर, ये जो आपने 45 डिग्री का एंगल लिया था इस पे बी डैश सी डैश ए डैश डी डैश और एफ डैश ई डैश कैसे करा था एक बार बता दो। बस कुछ नहीं, आपने यहाँ से मेजर कर लो, पहले आप ये पॉइंट ले लो, फिर आप एंगल बना लो, पॉइंट लेके एंगल बना लो, फिर आपने ये मेजर करो ए डैश ये वाला डिस्टेंस, ये मेजर किया, ये यहाँ पे रखा और ये मार्क कर दिया, फिर यहाँ पे रखा मेजर किया और ये मार्क कर दिया। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये सारे पॉइंट्स मैंने ये वाले इधर प्रोजेक्ट कर दिए। यस सर, बस और कुछ नहीं, फिर उनको नीचे ले लो और इधर से ज्वाइन कर दो, खत्म। ठीक है? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, सेमी सर्कल प्लेट है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। अब हम इसको, अब जो प्लेट बना रहे हैं ये एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी के साथ एंगल बनाएंगे, सिंगल सिंगल रोटेशन पे, डबल रोटेशन नहीं है। अब ये मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट है, तो ये पहले एक्स वाई लाइन आपने ड्रॉ कर ली, इसके जो भी डिस्टेंस आपको कभी नहीं दिया होगा तो आप अज्यूम कर सकते हो ये बिलो द एचपी अबव द एचपी, अगर नहीं दिया होता। ये थिन प्लेट ऑफ 60 mm डायमीटर इज रेस्ट ऑन एचपी ऑन इट्स डायमीटर विच इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी। यहाँ पर हमें दो एंगल दिए हुए हैं 90 डिग्री टू एचपी, ये आपने इग्नोर कर देना है 90 डिग्री टू एचपी, क्योंकि हम आपके सिलेबस में ना सिंगल रोटेशन ही है, डबल रोटेशन
आपको नहीं करवाया जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम सिर्फ इसको 45 डिग्री टू वीपी करने वाले हैं, ठीक है, 45 डिग्री टू वीपी। इसमें कुछ डिस्टेंस जो है वो आपको नहीं दे रखे हैं, जो कि है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें आपको डायमीटर लेना है 60 mm डायमीटर, तो ये 60 ले लिया आपने यहाँ पर। अब क्योंकि इसमें कंपस से ही बनेगा क्योंकि पेन इसमें जाएगा नहीं, मेरे पास रेड पेन ही है तो इसको रेड कर दूंगा। यहां पर आपने कंपास रखी, ये हम सर्कुलर प्लेट बना रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर टू एचपी है, और परपेंडिकुलर टू एचपी है ये प्लेट और पैरेलल टू वीपी है। ठीक है, ये हमने बना दी। इसके बाद आपको ये जो डिस्टेंस है ये इन फ्रंट ऑफ ये कितनी है, मतलब कि इन फ्रंट ऑफ वीपी ये कितना डिस्टेंस है ये दिया नहीं है, वो आपने ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेना है। जो ये डिस्टेंस है ये आपने एज्यूम कर लेना। तो इस समय जो है इसको मैं पहले डिवाइड करूंगा, इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। तो आपने डिवीजन के लिए आपने इसके जो रेडियस है या फिर आप 45 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर रख के आप इसको 60 में करते हैं। तो ये तो 60 है, इसमें ज्यादा बन जाएंगे डिवीजन। एक सेकंड,
उसके अंदर आपने दो 45 डिग्री के इसमें डिवीजन बनाने हैं, इसको हम कलर चेंज करते हैं। आप इसमें यही रहने दीजिए, इसके अंदर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपने इसको आप 0-0 पे सेट कर लीजिए और उसके बाद ये है मेरा 3 डिग्री। तो यहाँ पर ये 45, ये भी 45। मैं ज्यादा इससे इसके करने नहीं वाला, आप 45 पे इसको बना सकते हैं। दो आपने डिवीजन कर दिए, एक डिवीजन ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डिवीजन किए हैं, इसको मैं 1, 0, 1, 2, 3, इसके हम 4 डिवीजन बना रहे हैं। इसके डिवीजन्स को आपने नीचे ले आना, ये जस्ट डिवीजन्स को आपने मार्क कर देना है कि ये जो है ये 0 डैश है, ये 1 डैश है, ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश। अब हमने इसको बेसिकली रोटेट करना है। ये इस समय जो है परपेंडिकुलर टू एचपी है और वीपी के साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू एचपी है और वीपी के साथ पैरेलल है। अब हमें वीपी के साथ एंगल पे डालना है, तो हमें इसके टॉप व्यू को रोटेट करना पड़ेगा। टॉप व्यू को रोटेट करने के लिए आप क्या करोगे कि यहीं पर इसी लेवल पे आप एक ऐसे लाइन बनाएंगे, जितना भी एंगल आपको दे रखा है वो आप इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं, क्योंकि ये कंजेस्टेड हो जाएगा। तो आपने ये एंगल बना लिया, इस पॉइंट को आपने दे देना है 4 डैश। इसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आपने इधर मार्क कर लेने हैं। इन पॉइंट्स को आप कंपास से भी मार्क कर सकते हो। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हो? यस सर। तो ये जो अपने लाइन लिए किसी भी एंगल पे ले सकते हैं, ये एंगल दिया हुआ है 45 पे, ये 45 पे दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है। ओके सर, ठीक है। ये एक हमने इधर डिवीजन बना लिया, इसको आपने इतना खोला और फिर इधर एक डिवीजन, फिर आपने इतना खोला 3 तक, फिर एक डिवीजन और फिर ये डिवीजन बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट है 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश। अब ये टॉप व्यू ऐसे का ऐसे ही है, तो अब मैं ये ब्लू से ही बना रहा हूँ, तो ये आपने ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इसके पॉइंट्स हैं, इनको आपने ऊपर लेके जाना,
ठीक है, ये पॉइंट्स को मैं ऊपर ले गया, ठीक है। अब इधर से भी ये पॉइंट्स को हम सामने ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है जीरो वाला, ये जो जीरो वाला है यहाँ पर जीरो, ये जीरो हो गया। इस तरफ वन है तो ये हो गया हमारा वन, इस तरफ टू है तो यहाँ पर ये टू, उसके बाद ये थ्री, उसके बाद ये पॉइंट फोर। अब आपने क्या करना है कि फ्री हैंड से इसको आराम आराम से आपने इन पॉइंट्स को जोड़ना है आपने आपस में, इसको जैसा आपको कर्व समझ में आता है इन पॉइंट्स को जोड़ के आपने हाथ से ही जोड़ना है, क्योंकि ये जो है ये एक ऐसी शेप है जो अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, तो इसको आप फ्री हैंड बनाओगे। फ्री हैंड बनाने के बाद आपने इसको ऐसे ये ज्वाइन कर देंगे, और समझ में। तो ये जो है ये हमारी प्लेट जो है ये वीपी के साथ एंगल पे है, ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आया है? बना लोगे? सर जो हमने पीडीएफ सबमिट करी है ईजी वाली उसी में ही डालनी है ये भी? ये अब आप अलग से डालना, अभी आपको कुछ नहीं देना, अभी मैं आपको दो शीटें करवाऊंगा, फिर दोनों की इकट्ठी शीटें आपको देनी है, ठीक है? ठीक है सर। अभी आपको कुछ सबमिट नहीं करना, ये आप करके रख लेना, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये एंगल हम बना रहे हैं किसके साथ है? ये एंगल है किसके साथ है? ये एंगल सर एचपी, ये किसके साथ है एंगल? ये एचपी के साथ है, ये एंगल किसके साथ है? ये वीपी के साथ है एंगल, सर एंगल विद वीपी गिवन है ना? गिवन नहीं है तुम ये? यस सर, हाँ हाँ वीपी के साथ है, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो समझाया था मैंने स्केल के साथ। हाँ सर ठीक है, हाँ जी हाँ जी, पहले हमने ये ऐसे रखा, इसको हमने ये ऐसे रखा तभी तो इसका टॉप व्यू ऐसा है। यस सर यस सर, सर्कुलर प्लेट है मान लो तो तभी तो इसका टॉप व्यू ऐसा है, टॉप व्यू तो एक लाइन ही होगी ना, कुछ भी हो कुछ भी हो क्रॉस सेक्शन तो टॉप व्यू हमेशा लाइन होगी, वर्टिकल ये प्लेन के साथ पैरेलल है। अब इसके साथ मैंने एंगल बनाया है वीपी के साथ, ये वीपी के साथ एंगल है, तो ये बनाया, इसका फ्रंट व्यू निकाला, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कैसे निकाला? पॉइंट्स को जोड़ के, पॉइंट्स को जोड़ के फ्रंट व्यू आ जाता है, आ रहा समझ में? ये था एचपी के साथ एंगल, ये एचपी के साथ एंगल था, पहले पैरेलल टू एचपी फिर एचपी के साथ एंगल, तो एंगल कहां बन रहा है? ऊपर, देख रहे हो कि नहीं? यस सर। अब अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, चौथा क्वेश्चन, ये देखते रहना। ये जितना करवाया आपको समझ में आ गया? अब ये जो शीटें हैं ये अभी आपने नहीं देनी, जब आपको बोला जाएगा तब आपने देनी है, आ रहा समझ में? ये आप बनाते रहो बस। अब अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है,
उसमें है एक हेक्सागोनल प्लेन है, तो वो बोलता है 35 mm की उसकी साइड है, रेस्टिंग ऑन इट्स कॉर्नर ऑन द एचपी डायगोनल थ्रू दैट कॉर्नर इज इंक्लाइंड टू 35 degree टू द एचपी, एचपी के साथ एंगल है, एचपी के साथ एंगल है, और द प्लेन ऑफ द डायगोनल इज 25 degree। तो आपने सिंगल ही बनाना है, इसमें भी डबल दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ एचपी के साथ एंगल बनाना है। तो एचपी के साथ खाली एंगल बनाने के लिए मैं डबल भी आपको कराऊंगा, अभी एक डबल का क्वेश्चन भी होगा, लेकिन वो मैं थोड़ा सिंपल कराऊंगा आपको, वो ये कराया जाएगा 6th क्वेश्चन डबल वाला, ठीक है। और 5th क्वेश्चन आप छोड़ देना, 5th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये छोड़ देना, ये फोर्थ मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद 6th और 7th करवाऊंगा। 4th क्वेश्चन के अंदर आपको अब मैं हेक्सागोनल लेमिना के मैंने आपको बुराया था, दो पोजीशन होती हैं, तो अब मैं दूसरी पोजीशन बना रहा हूँ। अब इसमें भी आपको डिस्टेंस नहीं दे रखा इन फ्रंट ऑफ वीपी, डिस्टेंस कितना है, तो आपने क्या करना है, एज्यूम कर लेना, एज्यूम कर लिया तो आपने आपको 35 का इसका जो है हेलो हाँ सर मैं क्लास ले रहा हूँ अभी करता हूँ, हेलो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद करता हूँ, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो आपने अब हमने फिर से हेक्सागन बनाना है, 35 mm इसकी साइड है, तो साइड जो है काफी बड़ी है, 35 mm आपने ले लेना, ये 35 mm जितनी साइड है उतना ही आपने सर्कल बनाना है, जितना आपको साइड दे रखा है उतना ही आपने सर्कल बनाना है। ये मैंने सर्कल बना लिया, इसके बाद आपने इसका सेंटर ध्यान से देख लेना, ये इसका सेंटर है, इसमें एक सेंटर लाइन होती है ऐसे लंबा एक छोटा, ये सेंटर लाइन है, इसको आपने ऊपर तक ले जाना। इसके बाद आपने क्या करना है, पहले आपने यहां पर रख के डिवीजन बनाए थे, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रख के डिवीजन बनाना है, यहाँ पर आपने रेडियस का खोलना है, इतना रेडियस खोल गए तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पे कट लगाएंगे, इस दूसरी तरफ रखेंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, ये कट लगाने के बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट हेक्सागन बनेगा, लेकिन दूसरी पोजीशन में। तो यहाँ पर पहले एक साइड थी जिसके ऊपर ये टिक रहा था, अब क्या होगा, ये कॉर्नर के ऊपर खड़ा होने वाला है, कॉर्नर के ऊपर स्टैंड करेगा, तो ये जो है ये देख रहे हैं आप, आपने कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दो, अब दिख रहा है? Yes. तो ये हम आपने देखा पहले हमने यहाँ पर रख के मार्किंग की थी, अब हमने यहाँ रख के मार्किंग किया, तो जब हम इसको स्टैंड अप करेंगे तो ये
अपने एज पे खड़ा होगा, अपने कॉर्नर पे। तो जब आपको इस तरीके की पोजीशन बोली जाए तो आपने इस तरीके से ही बनाना है। अब ये हेक्सागोनल प्लेन है, ये किस किसके पैरेलल है इस समय? इस समय ये किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है? सर एचपी। हाँ ये एचपी के पैरेलल है। अब हम इसको अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे। ये छह मार्किंग कर ली, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इन मार्किंग्स को आप ऊपर ले जाएंगे, इनको हम ऊपर ले गए। ठीक है, ये थोड़ा सा आउट हो गया, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के सामने ही आएंगे। बिल्कुल तो थोड़ा सा आउट हो गया, एकदम सामने आएंगे अगर आप बनाएंगे तो। यहाँ पर हमने, क्योंकि ये प्लेट अभी एचपी के ऊपर ही रखी हुई है, तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट भी होगा वो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ही इसको एक्स वाई लाइन को टच करेगा। इसको हम मार्किंग कर देते हैं 2-6-3-5- और ये 4-, ठीक है। अब मुझे जो एंगल बनाना है वो बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये 35 डिग्री है एचपी के साथ। तो एचपी के साथ जब भी एंगल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम फ्रंट व्यू को उठाते हैं, फ्रंट व्यू को उठाते हैं, क्योंकि हमने एचपी के साथ एंगल बनाना है। तो आपने फ्रंट व्यू को ऐसे इसको उठाया, तो यहां पर आपने मार्किंग कर दो, जितना एंगल आपको दे रखा है ये 35 डिग्री, उतने पे एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद ये मार्किंग आपने कर दी है, इससे इसको कंपस से आप मार करके उसको वहां पे इंपोज कर सकते हैं। ये सारी मार्किंग मैंने इधर कर दी है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे उठाया, तो यहाँ पर 4- है, यहाँ पे 3-5- 2-6- और ये 1-। तो ये जो है ये हमारा 0-0 है, ये है 2-6-, ये 0 है, और ये हमारा 1- है जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये सेंटर है। इसको आपने थोड़ा सा डार्क कर देने, और आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 70, क्योंकि ये एक डायमीटर है। इस तरीके से डायमेंशन की जाती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, ये 70 आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपने वैसे ही पॉइंट्स को नीचे ले जाना, ये
इनको आप नीचे ले आइए। तो ये पॉइंट्स आपने इधर मार्क कर देने हैं। अब ये वन है, ये वन है, तो यहाँ पर ये वन, इधर ये टू, खाली टू रहने दीजिए, सिक्स, ये फाइव और ये फोर है, ये थ्री है। फिर आप स्केल उठाएंगे, स्केल से आपने ये ज्वाइन करना है क्योंकि ये एक आर्बिट्री शेप है, इसको आप पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही निकाल सकते हैं। ये आर्बिट्री शेप है, पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये अपने आप जनरेट हो जाएगी। आ रहा समझ में, ये बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख तो रहा। तो ये बन जाएगा। यस सर। ये किसके साथ एंगल है इसका, किसके साथ एंगल है? वीपी के साथ। वीपी के साथ, एचपी के साथ है। वीपी के साथ कैसे हो गया एंगल? वीपी के साथ होता तो टॉप व्यू रोटेट होता, ये वीपी के साथ एंगल बनाना है तो इसको रोटेट करना पड़ता है। हमारा समझ में, दोबारा समझाऊ? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। ये अगर मेरे को वीपी के साथ एंगल बनाना है तो ऐसे रोटेट करूंगा सर, ये हेक्सागन रोटेट हो जाता है ना फिर? हाँ, हेक्सागन रोटेट होता है, ये इसको रोटेट करते हैं हम। सर ये रोटेट होता है कि इन्वर्ट हो जाता है सर? इन्वर्ट, इन्वर्ट मतलब तो जैसे सर ऑपोजिट साइड में सर इसका प्रोजेक्शन बनेगा सर, वैसा भी कोई सीन होता है सर इसमें? देखो ऑपोजिट साइड और फ्रंट साइड दोनों सेम है इसमें। यस सर। तो इन्वर्ट कर भी लो तो वो वही रहेगा, इसमें एक नेग्लिजिबल थिकनेस है। इन्वर्ट करके वो सॉलिड में इन्वर्ट करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लेट है, ये नीचे ऊपर से सेम है। जी सर। तो इसके अंदर ये प्लेन है ऐसे, तो अगर मेरे को वीपी के साथ एंगल बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, इसके टॉप व्यू को रोटेट करूंगा वीपी के साथ एंगल बनाना है। अगर एचपी के साथ एंगल बनाना है तो मैं फ्रंट व्यू को रोटेट करूंगा, फ्रंट व्यू को। आ रहा समझ में? जी सर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ के बनानी है चीजें, समझ के। ये सिर्फ शीटें बनाना मेरा पर्पस नहीं है, आपको सिखाना भी पर्पस है। तो ये समझ के आपने बनानी है। ये बन जाएगा? यस सर। हैं? ठीक है। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन जो है ना डबल रोटेशन का करा रहा हूं, डबल रोटेशन का, वो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। वैसे तो आप डबल रोटेशन किसी को भी कर सकते हो, तो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा तो आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो उसको, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी। तो ये जो क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये मैं ब्रेक के बाद आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ एक घंटे की। ठीक है, तो एक बजे दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। जितना मैंने अभी कराया ना, ये आपको अभी व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो इसको देखिए और फिर आपको सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन डबल रोटेशन का, वो मैं एक बजे कराऊंगा। सर मेरे को एक डाउट है। सर पिछले क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ था कि वीपी से वो 25 डिग्री का एंगल बनाता है, उसका क्या यूज है? ये आप छोड़ दीजिए, ये जो है ना ये डबल एंगल बनाना है, ये आप छोड़ दो इसको। ओके सर।
इसको अभी छोड़ दो, ये जो है ना ये सब डबल पे बने हुए हैं, डबल क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये आपके ना सिलेबस में नहीं है। आपको मैं फिर भी सिखा रहा हूं, आपको मैं ना सिंपल एक ट्रायंगल को रोटेट करके दिखाऊंगा डबल, इसके अंदर मैं एचपी के साथ भी बनाऊंगा, वीपी के साथ भी बनेगा एंगल, तो आप ये देखना, फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा अभी डबल रोटेशन पे, फिलहाल आपने इतना ही समझना है जितना आपको बताया सिंगल रोटेशन में। देखो ये पहले ये करवाया था, ये वीपी के साथ एंगल बनवाया, उसके बाद मैंने आपको ये करवाया, ये मैंने एचपी के साथ एंगल करवाया, उसके बाद मैंने आपको ये करवाया, ये मैंने वीपी के साथ एंगल बनवाया, ये किसके साथ है, वीपी के साथ है, ठीक है, और उसके बाद ये प्लेन बनवाया, ये मैंने एंगल बनवाया फिर से एचपी के साथ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आपको व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो अब जो क्लास है आपकी वो 1 बजे स्टार्ट होगी, अभी आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स सर, अटेंडेंस भी आप तभी लोगे ना 1 बजे? हाँ दोनों की रही है। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।